अब अपन देखते हैं कार्य प्रणाली, ये मेटल रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है इसके लिए हम लोग ने जो डायोड देखा था, डायोड में हमने इस प्रकार से, ये डायोड है, यानी मेटल रेक्टिफायर बोले तो डायोड, ठीक है। तो इसका ये आपका सर्किट डायग्राम है, यहां से हमने देखा, हमने क्या किया, यहां से एसी सप्लाई दिया और यहां से हमने डीसी का आउटपुट लिया। अब हमारे पास में साइकिल कैसी चलती है, इस प्रकार से, एक पॉजिटिव वेव और एक नेगेटिव वेव। तो अब हमारे पास जैसी एसी साइकिल की पॉजिटिव वेव आई, यानी यहां पर ये आपकी पॉजिटिव वेव जैसी चली, ठीक है। तो पॉजिटिव वेव जैसी चलेगी तो यहां पर बड़ी शक्ति और ये छोटी शक्ति, तो जैसी आपने पॉजिटिव साइकिल यहां पर दिया, यहां पर नेगेटिव साइकिल दिया, तो यहां से छोटी शक्ति से बड़ी शक्ति की ओर धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी धारा कैसे प्रवाहित होगी, छोटी शक्ति से बड़ी शक्ति की ओर, कब होगी, जबकि आप इसकी एसी की पॉजिटिव साइकिल दोगे तब, ठीक है। पर जैसे ही आपकी नेगेटिव साइकिल आएगी, इस प्रकार से जैसे नेगेटिव साइकिल आएगी, तो अब यहां पर आपका नेगेटिव साइकिल आने के कारण से यहां से जो धारा आपकी यहां जाना चाहिए था वो धारा नहीं जाएगी। आगे हम जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें और इसकी डिटेल है पीएन जंक्शन डायोड में कि भाई धारा आगे प्रवाहित क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपकी पॉजिटिव साइकिल, आपने पॉजिटिव लगाया, जैसे पॉजिटिव साइकिल चलती है तो यहां से आपका छोटी शक्ति से बड़ी शक्ति की ओर धारा प्रवाहित होती है, परंतु जैसी आपकी नेगेटिव साइकिल आएगी, ये जो नेगेटिव साइकिल आएगी उस टाइम में यहां पर आपका धारा का मान नगण्य हो जाएगा, यानी धारा का मान जीरो हो जाएगा, इस टाइम में धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर नेक्स्ट जैसे आपकी पॉजिटिव साइकिल आई, उस टाइम में पॉजिटिव साइकिल जैसी आपकी आएगी तो फिर आपकी छोटी शक्ति से बड़ी शक्ति की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये है आपका मेटल रेक्टिफायर जो जो कि किस प्रकार से काम कर रहा है वो इसमें समझा, ठीक है।